हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रिव्यू क्लासेस। आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी आई है प्रोफेसर की। इस प्रोफेसर पोस्ट के लिए कौन लोग एलिजिबल होंगे, क्वालिफिकेशन क्या है, वो भी मैं बताऊंगा। पहले जान लीजिए कि टोटल पोस्ट कितनी है। जो टोटल पोस्ट होने वाले हैं, जिसके बारे में मैं डिटेल से चर्चा करने वाला हूँ आपके साथ, ध्यान से देखिए। इसमें जो टोटल पोस्ट है 595 पोस्ट है, और ये वैकेंसी कोई नई नहीं है, ये पुरानी ही वैकेंसी जिसको रीओपन फॉर्म हुआ है फिर से, ठीक है। अगर आप नहीं जानते तो अभी जान जाएंगे, जो लोग नहीं जानते। देखिए इस वैकेंसी में कौन कौन सी पोस्ट है, हिंदी से लेकर अंग्रेजी, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल, भौतिक विज्ञान, गणित, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, कंप्यूटर साइंस, ये सभी वैकेंसियाँ आपको देखने को मिल रही। टोटल 19 प्लस 1 20, मतलब बहुत सारी वैकेंसियाँ आई हैं। मतलब कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं है जो अप्लाई नहीं कर सकता। हाँ, एक चीज़ मैं बताना और चाहूँगा आप सभी को कि ये जो वैकेंसी है, जिसमें आप अगर देख रहे हैं वेतन मैट्रिक यहाँ पर दिख रहा है 37,467 के आसपास वैकेंसी जो देख रहा है, लेवल 14 का पेमेंट है। मतलब आपको पेमेंट्स मान के चलिए 1,00,000 के ऊपर ही होगा आपकी सैलरी, ठीक है। और ये प्रोफेसर की पोस्ट है तो ऑब्वियस सी बात इसकी क्वालिफिकेशन भी कुछ होगी, ठीक। तो आपको मैं बता दूं इसकी क्वालिफिकेशन क्या बोला गया है, वो ध्यान से सुनिएगा। इसकी क्वालिफिकेशन आपको बता दूं कि पीएचडी है। अगर आपने पीएचडी किया हुआ है तो ही इस फॉर्म को भरिएगा, अदरवाइज मत भरिएगा। अब बात आती है कि इस वीडियो को वे लोग भी देख रहे होंगे जो 10th पास है 12th पास है या ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट है। अब ये वीडियो उन्हें देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद मैं आगे डिटेल बताता हूँ। देखिए इस वीडियो को इसलिए देखना चाहिए, अगर बाद में भविष्य में जब भी आप प्रोफेसर, क्योंकि आप किसी कोई भी चीज़ कर रहे हैं, मान लें आप 12th हैं, आप सोचेंगे 12th के बाद कौन कौन से स्कोप खुलेंगे। आप सोचेंगे कि मैं साइंस साइड से अगर मैं MSc कर लेता हूँ, BSc कर लेता हूँ, तो उसके बाद मेरे लिए स्कोप क्या क्या हो सकते हैं इस पर्पज़ के लिए, या फिर करियर काउंसलिंग के लिए। जैसे होता ना कि करियर काउंसलिंग के लिए लोग जाते हैं, जानकारी लेते हैं कि हमें कौन सा करियर सूट करेगा कैसे, तो इन सभी के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, भले से ही आपके आप इसमें अप्लाई ना करें, लेकिन वीडियो देखना अति आवश्यक है। मेरे व्यू के लिए नहीं, ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि इस चैनल पर बहुत सारी वैकेंसियां हैं जो जॉब टीचर से रिलेटेड है, उसको भी जाके देखिएगा। चलिए ये जो वैकेंसी आई है पहले वो जान लीजिए। देखिए छत्तीसगढ़ में ये वैकेंसी है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर, ये पुराना प्रकाशन है, आप शायद देख रहे होंगे यहाँ पर ये रीओपन फॉर्म हुआ है। आपको मैं बता दूँ ये फॉर्म रीओपन है, और ये एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या है वो भी सुन लीजिए, 7/2021 का है, और लास्ट डेट फॉर्म भरने की है 6 सितंबर, ठीक है। 6 सितंबर लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को भरना चाहें भर लीजिएगा। फ़ी कितने रहने वाली है, ये सारी चीज़ें आप जानना चाहेंगे हमसे तो हम आपको बता देते हैं। देखिए बहुत बेसिक से चीज़ है फ़ी वो जानना। देखिए मैं बता दूँ फ़ी कितनी रहने वाली है, क्योंकि आप परेशान होंगे। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो अदर कैंडिडेट हैं मतलब, तो 400 रुपये आपको पे करना होगा, ठीक है। अगर आप देखिए अगर आप SC ST हैं, OBC हैं, या नॉन क्लिमेट या फिजिकल हैंडीकैप्टेड है, 300 रुपये आपको देने होंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, सब कुछ ऑनलाइन है। एग्ज़ाम कब होगा इसके बारे में आपको बता दिया जाएगा, एज क्राइटेरिया क्या होने वाली है, ठीक है, और अप्लाई कैसे करना है, सेंटर कहाँ कहाँ होगा, ये सारी जानकारी आपको इस PDF में देखने को मिल जाएगी। इस PDF को मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया हूँ, जाकर टेलीग्राम पर देख लीजिएगा और अप्लाई कर लीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए आप टेलीग्राम पर जाइएगा, मिल जाएगी सारी जानकारी। अगर दूसरी वैकेंसी को देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, बहुत सारी वैकेंसी हैं उसको देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और चैनल में सपोर्ट करते रहिए।